नमस्कार कक्षा 10 के छात्रों, आज हम जो आपका क्लास 10th का है NES का प्रैक्टिस पेपर सेकंड, प्रैक्टिस पेपर नंबर सेकंड करेंगे। इसके संपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे और आंसर भी देखेंगे, इन क्वेश्चन एवं आंसर सभी देखेंगे। इस प्रैक्टिस पेपर में 70 प्रश्न हैं, 70 क्वेश्चन है, सारे के सारे देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज दी वर्ड ऑफ दी पिक्चर है, कौन सी पिक्चर है, किस चित्र का है, किस जानवर का है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी मोंगूज, ये क्या है, नेबला है, मोंगूज सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है इफ्टेरिबल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इफ्टेरिबल, इफ्टेरिबल मीन्स वेरी बैड, विच ऑफ दीज मीन्स वेरी फनी। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिलेरियस। प्रश्न क्रमांक तीन, विच ऑफ दीज कैन रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड इन दी सेंटेंस बिलो, प्रियाज डॉग कैस्ट हर कैट अक्रॉस दी गार्डन। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, रन आफ्टर ऑप्शन नंबर बी, ए बी। अब क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ दीज वुड बी एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बिफोर दी सेंटेंस बिलो, एस ही डज। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, तो क्वेश्चन बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, डज टॉम नो हाउ टू सेम है हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, कंप्लीट दी गिवन सेंटेंस इन सच अ वे दैट अ सपोर्टिंग थॉट इज एक्सप्रेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर पीपल रनिंग एंड मैनेजिंग देम। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वेयर एवर देयर आर कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चूज अ वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंस मैग्निफुली मीनिंगफुली, तो ही लुक्ड डेड डैश दी ग्लास विंडो टू सी हु वाज इन दी हाउस, ऑप्शन नंबर ए इनसाइड, बी है थ्रो, सी अंडर, डी ओवर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सक्सेस का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थ्रो। अब है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन, विच सेंटेंस कंटेंस अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंगफुल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए। क्वेश्चन नंबर एट, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, ही स्प्रेन्ड हिज एंकल डेड रेस प्लेइंग द गेम ऑफ कबड्डी। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन नंबर डी, वायल वायल। प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम साउंड एज इन क्रीम, ऑप्शन नंबर ए ग्रीड, ब्रीड, क्रैश, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीड। क्वेश्चन नंबर नाइन के बाद है क्वेश्चन नंबर टेन, चूज दी करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स कंप्लीट दी सेंटेंस, माई फ्रेंड एड्रेस मी बाई टेलिंग माई सीक्रेट माई टू वन समवन। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, बेटरेड। क्वेश्चन नंबर इलेवन, रीड दी सेंटेंस बिलो एंड लुक एट दी अंडरलाइन वर्ड, दीज डेज मैनी पीपल्स यूज कंप्यूटर्स टू डू देयर जॉब्स, चूज दी करेक्ट वे टू राइट दी अंडरलाइन वर्ड्स पीपल हैज यूज्ड। तो क्वेश्चन नंबर इलेवन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल यूज। प्रश्न क्रमांक बारह, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, चूज दी एंटोनिम एंटोनिम ऑफ दी अंडरलाइन वर्ड विच इज मोस्ट रिलेवेंट टू दी सेंटेंस गिवन बिलो, टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू इन्वॉल्व इन्वॉल्व दी थिंग्स विच इज वैल्यूएबल।
टुडे मे बी थ्रोन अवे टुमारो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑब्सोलीट। क्वेश्चन नंबर 13 डू नॉट यूज दी मेडिसिन इफ द प्रिंटेड नेक बैंड इज मिसिंग आई ब्रोकन द सेंटेंस यू कैन बी रिटेन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मेडिसिन मस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 चूज दी वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंस मीनिंगफुली आई रिमेंडेड द ड्रेस टू ब्रिंग दी अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 14 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देम। क्वेश्चन नंबर 15 चूज दी करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दी सेंटेंस दी चीता दी फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज आल्सो नोन फॉर डेडेस्ट टेंडेंसी टू टायर क्विकली। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इट्स। क्वेश्चन नंबर 16 चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर दी गिवन सेंटेंस सरला हैज गोन टू अटेंड दी स्कूल प्रोग्राम। हो जाएगा हमारा भर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 17 फुटबॉल टीम लॉस्ट हार्ट आफ्टर देयर कैप्टन वाज इंजर्ड ड्यूरिंग दी गेम। चूज दी ऑप्शन दैट कन्वेज दी करेक्ट मीनिंग ऑफ दी अंडरलाइन एक्सप्रेशन इन दी सेंटेंस बिलो आर एन अवे टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फेल्ट डिस्करेज। अब क्वेश्चन नंबर 18 चूज दी करेक्ट पेयर ऑफ दी वर्ड्स टू कंप्लीट दी सेंटेंस व्हेन दी कार इज स्टैंडिंग स्टिल इट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्टेशनरी। प्रश्न क्रमांक है 19 मायांट क्या है मायांट लिव्स इन अ हाउस ऑन अ स्टीप हिल इट वॉज एन आर्डियस जर्नी अप दी हिल टू रीच दी हाउस वॉचिंग अस पफिंग एंड पेंटिंग मायांट सर्व्ड अ स्कूल एंड रिफ्रेशिंग लिमोनेड। इन दी अब सेंटेंस आर्डियस प्रोबेबली मीन्स क्या हो जाएगा जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा दी फन एंड एक्साइटिंग ये डिफ़िकल्ट। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है डिफ़िकल्ट एंड ट्रिक ट्रिक टायरिंग। क्वेश्चन नंबर 20 गिव बिलो गिवन बिलो आर फोर सेंटेंसेस चूज दी राइट सिक्वेंस इन विच दीज सेंटेंस हैव टू बी अरेंज्ड टू रीड मीनिंगफुली। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर सिर्फ देखते हैं हम आंसर क्वेश्चन पढ़ना बंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इन विच ऑफ दी सेंटेंस इज दी अंडरलाइन वर्ड नॉट अ वर्ब। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही चूज अ वर्ड कंप्लीट दी सेंटेंस द रियल वाला। क्वेश्चन नंबर 22 है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्या हो जाएगा रिलीज्ड। प्रश्न क्रमांक 23 प्रश्न हु चूज दी वर्ड सिमरन आई हैव टू इसका जो 23 है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्या 23 वाला विकास हो जाएगा डी हो जाएगा सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 का पढ़ लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए वीडियो को रुक कर लिख लीजिए। इसका जो आंसर है 24 का आप आए है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का है चूज अ वर्ड टू कंप्लीट सेंटेंस मीनिंगफुली इसका जो 25 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाज। क्वेश्चन नंबर 26 है चूज दी वर्ड वाला द किलर ऑफ द तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर क्या हो जाएगा आर प्रीपेयर्ड ऑप्शन नंबर डी सही है। 27 चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 चूज दी करेक्ट पेयर्स आई कैन नॉट फाइंड वाला। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वेयर एंड एवरीवेयर एनी वेयर एंड एवरी वेयर। क्वेश्चन नंबर 29 इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ यू वॉन्ट अराइव इन टाइम इस प्रकार है आपका जी।
क्वेश्चन नंबर 29 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनलेस अनलेस यू स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 30 दी यूनियन गवर्नमेंट है डिक्लेयर मेनी दीज आइलैंड्स आर सेवेरियस एरिया ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 30 इसको हमें पढ़ना है क्या है इसमें वैसे दिया गया है इसको पढ़कर उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 ड्यूरिंग द बीच ऑफ द पार्ट, तो 31 का है ऑप्शन नंबर हमारा डी सही इन द नाइट। क्वेश्चन नंबर 32 वेयर डिड द बॉयज प्ले कहाँ खेलते थे। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन द स्ट्रीट आउटसाइड ऑफ द ओल्ड मैन हाउस उसके घर के बाहर बूढ़े व्यक्ति के। प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 रुपये उसने दिए थे। प्रश्न क्रमांक 34 व्हाट डिड दी ओल्ड मैन रियली वांट फ्रॉम दी बॉयज क्या चाहते थे। 34 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 35 हाउ डिड दी बॉय प्रोबेबली फीड तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंग्री। प्रश्न क्रमांक 36 फिर से आ गया पैसेज तो प्रश्न क्रमांक 36 ध्रुव अपराज वाला इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी गिव गिव हिम आ चांस। क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम दिस आर्टिकल भी वी कैन सी दैट वाला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाज कन्विक्ट कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स आफ्टर दी वाला इसका आंसर क्या है इसका आंसर है 38 का बी ऑप्शन नंबर बी। 38 के बाद 39 विच ऑफ दीज एक्सपीरियंस डिस्क्राइब ध्रुव्स स्टोरी इसका आंसर कौन सा है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैप्पीनेस इज नॉट रीडिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 40 ध्रुव ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज बिकॉज क्यों कॉलेज से बाहर कर दिया गया हो गया डी ऑप्शन नंबर डी है ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द लेक्चर वाज़ सेइंग लेक्चर उसको समझ में नहीं आते थे इसलिए तो कॉलेज छोड़ दिया। प्रश्न क्रमांक 41 पीपल डिस्करेज ध्रुव फ्रॉम बिकमिंग एन एक्टर तो जो 41 है इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी ही वर्ड वाला ही वर्ड फेल ये वाला ही वर्ड फेल एंड एज रिजल्ट रीड द पैसेज गिवन बिलो पैसेज दिया है इसको पढ़ना है फिर आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 42 इसी में से आया है जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दी कौन कन डांस वाला। प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं जल्दी ऑन विच डे इज दी ओडिशा डांस क्विंग किस दिन मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी 20 फरवरी। अब है क्वेश्चन नंबर 44 हु इज गोइंग कौन गया था 44 में ऑप्शन नंबर ई सही मिस्टर राम मिश्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दी फैन परपोज ऑफ दीज नोटिस टू 45 का ऑप्शन नंबर बी सही है अट्रैक्ट बी ए वाला। प्रश्न क्रमांक 46 46 तो 46 से भी एक पैराग्राफ आया आपके लिए उसमें से देना है आंसर। तो 46 है वेन डिड स्वामी कम आउट ऑफ दी हॉल कब तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4:40 PM। क्वेश्चन नंबर 47 द सेकंड पैराग्राफ सजेस्ट दी स्वामी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 47 के बाद 48 विच दीज फॉलोवर्टी तो इसका 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न क्रमांक है 50 दिस सजेस्ट दी स्वामी दैट वाज दी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोर्ड वाला बोर्ड एट द टाइम दैट ऑफ दी। प्रश्न क्रमांक है आपका जो अगला वह बचेंद्री पाल की जो इस प्रकार पैराग्राफ है उसकी से है 51। क्वेश्चन नंबर 51 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी बिलीव्स वाला।
अब है हमारा 42 सॉरी 52 विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कंट्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रॉन्ग बोल्ट्स वाला। 53 अकॉर्डिंग टू चंद्रीपाल, 53 में हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रीलिंग वाला। 54 विच ऑफ दी फॉलोइंग चंद्रीपाल कंसिडर एज द एसेंशियल बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मदर्स, तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखते हैं 55 द इंटरव्यूज क्वेश्चन आज इंक्लूड्स, 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाई हाई लाइट्स वाला, हाईएस्ट ऑफ दी चंद्रीपाल करियर। 55 के बाद 56, आपके लिए एक पैराग्राफ दिया है, इस पढ़कर देना है आपके उत्तर, पैराग्राफ आप इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं जल्दी से, फिफ्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दी एडिटर वाला। 57 ए दी ऑडिटर, 57 का जो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विच लाइन फ्रॉम द पैसेज, जो 57 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द प्राइज विनिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 58 दी सेंटेंस लाइकली ये वाला, इसका आंसर हो जाएगा 58 का रिक्वायरमेंट। 59 गोकुलम वाला, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैंगनीज एग्नाइज मैगजीन। प्रश्न क्रमांक है आपका 16, 60 में क्या है विच ऑफ दी वाला विच एंट्री विल नॉट बी एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट, तो क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है ए। 61 विच ऑफ दी ऑप्शन इज सूटेबल कंप्लीट सेंटेंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेयर। 62 दी मैन वाज बिटन बाय डॉग, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बेट बी सही। प्रश्न क्रमांक 63 विच ऑफ दी वर्ड्स कंप्लीट्स वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मी ए बी। प्रश्न क्रमांक आपका है 64 इसका विच ऑफ दी फॉलोइंग ए वाला, इस पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोर्ड। 65 है विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी डिस्पाइट क्या डी आल दो ऑप्शन नंबर 66, इसका आंसर हो जाएगा ए ई में ए है। 66 के बाद है 67 विच ऑफ दी गिवन पोजीशन वाला, इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 68 विच ऑफ दी फॉलोइंग, इसका आंसर हो जाएगा 68 का डी आई एम नॉट है ये हो जाएगा आंसर। 69 विच ऑफ दी फॉलोइंग बेस्ट ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस वाला, योर हेल्थ डिटरमाइंड डे टू डे सो दी एट, इसका आंसर हो जाएगा 69 का हेड डी ऑप्शन नंबर डी सही है। लास्ट और 70 है विच ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स दी बोथ बोथ टॉयलेट एंड एनिमल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बियर। मिलते हैं अगले पेपर के हल के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून सभी। चैनल को सब्सक्राइब करना कर लीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए।